do that spiritually is to develop this attitude of being the servant of the servant of the servant. अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारा पतन होता है, अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊंचे आते हैं, और एक ही तरीका है आगे बढ़ने का कि हम दासों के दास बन सकें. To be grateful for the chance to serve. सेवा करने का अवसर मिलने के लिए कृतज्ञ होना. To be enthusiastic to serve, to love to serve. सेवा करने के लिए उत्साही होना और प्रेम से सेवा करना. In that humble state of mind, Krishna will become so pleased, he will empower us to taste the true fruit of the sweetness of the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. इस सेवा भावना में भगवान हमें कृष्ण नाम के फल का आस्वादन करने का अवसर देते हैं. श्री श्री राधा गोविंद's temple here in Nigri, it is a divine symbol of this principle. श्री श्री राधा गोविंद मंदिर निगड़ी में इस सिद्धांत का एक चिन्ह है. It gives us tremendous hope in this age of Kali. वो इस कलयुग में हमें बहुत आशा प्रदान करता है. There is nothing impossible for Krishna or those who love Krishna. भगवान कृष्ण के लिए और जो कृष्ण से प्रेम करते हैं उनके लिए कोई चीज असंभव नहीं है. Our beloved Guru Maharaj Srila Prabhupada is smiling blissfully and showering the fragrant flowers of his blessings and satisfaction upon all of you. श्रील प्रभुपाद हमारे ऊपर मुस्कुरा रहे हैं और अपने आशीर्वाद के पुष्प जो हैं हम सब पर बरसा रहे हैं. ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन एनी वे ऑफ योर हार्ट्स टू दिस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट. आप में से जो भी किसी ने किसी भी तरीके से इस सुंदर सेवा के लिए योगदान दिया है. एंड आई पर्सनली थैंक यू वेरी वेरी मच. मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबको बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा. श्री श्री राधा गोविंद देव की जय. एंड यू आर नेबर्स ऑफ पुणे. और आप पुणे के पड़ोसी हैं. एंड द सेम इनक्रेडिबल फिनोमेना इज टेकिंग प्लेस देयर. और वहां पर भी ऐसा ही एक बड़ा अनोखा दृश्य हो रहा है. एंड इन बेलगाम एंड कोल्हापुर एंड सतारा एंड और there's an epidemic of these seeds sprouting in Maharashtra. और बाकी जो दूसरे शहर महाराज ने बताए वहां पर भी ये सब फैल रहा है ये भक्ति का. Thank you very much. बहुत धन्यवाद. हमने सोचा शायद आप भगवान का अभिषेक देख के और भगवान के चरणों में माथा टेक के घर लौटोगे या घर दौड़ोगे या शायद अपनी घड़ी की ओर आप नहीं देख रहे हो.
या आप श्रवण का महत्व समझ रहे हो, दर्शन तो आँखों से नहीं होता, दर्शन के लिए कानों की आवश्यकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एक समय प्रवचन दे रहे थे, दर्शन ही दे रहे थे, षड दर्शन, या भगवान को देखने की प्रक्रिया समझा रहे थे। चक्षुदान दिलोजयी जन्मे जन्मे प्रभु सही, आँखों का दान या आई ऑपरेशन कर रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। किंतु एक शिष्य चला गया कई, और कुछ समय के बाद लौटा तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूछे कहाँ गए थे। शिष्य ने उत्तर में कहा, प्रभुपाद प्रभुपाद मैं तो दर्शन के लिए गया था। इस शिष्य ने सोचा कि जब मैं कहूँगा कि मैं दर्शन के लिए गया था तो मेरे गुरु महाराज बड़े प्रसन्न होंगे, शाबाश वेल डन, अच्छा किया तुमने, ऐसा सोचा था उस शिष्य ने। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खूब डांटे उसको और कहे, और कहा तुम गए दर्शन के लिए गए थे। हाँ हाँ दर्शन के लिए गया था प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद। हाँ हाँ तो भगवान के सामने तुम गए, तुमने अपने आँखें खोली और बंद की, ऐसा ही किया ना। यस अगेन यू ओपन योर आइज, क्लोज योर आइज एंड ओपन क्लोज। तो तुम्हारे आँखों की कसरत कैसी रही, हाउ वॉज योर आई एक्सरसाइज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे। तो अधिक कहने की आवश्यकता नहीं इस संबंध में, आप समझे होंगे। हम इन चर्म चक्षुओं से कुछ ज़्यादा नहीं देख पाते, देखने के लिए विधि है, श्रवणाधि शुद्ध चित्ते करह उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय। हर जीव को कृष्ण प्रेम साध्य है, उसको कहीं से जाके बाज़ार में, सुपर बाज़ार हाइपर बाज़ार में जाके शॉपिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ भी वह है, अगर श्रवणादि शुद्ध चित्ते कान से श्रवण करता है तो करह उदय, उदय होगा, उदित होगा उसका कृष्ण प्रेम। इस्कॉन के मंदिरों का ये वैशिष्ट्य है, इस्कॉन के मंदिर केवल भगवान के दर्शन के लिए ही नहीं है, या दर्शन के लिए भी है, किंतु उसका अधिक उपयोग तो हुआ श्रवण के लिए है। फिर वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है, या गीता भागवत के श्रवण के लिए है। गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठो बाचे, कौन मणे तो का मणे, जो क्या करेंगे, गीता भागवत का श्रवण करेंगे, अखंड चिंतन विठो बाचे, या अखंड चिंतन राधा गोविंद आचे, राधा गोविंद विठल। आज
राधा गोविंद राधा हम सुन रहे थे। आज एक ऐतिहासिक दिवस है, निगड़ी में राधा गोविंद पधारे हैं, ये क्या है, ये इतिहास है। आज के दिन लगभग 400 वर्ष पूर्व, 350 लगभग वर्ष पूर्व इसी क्षेत्र में वैकुंठ से एक विमान आया, जिस क्षेत्र में हम ये निगड़ी देहू से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, देहू धाम की। आज के दिन वैकुंठ से वहाँ विमान आया, उस विमान में बैठे तुकाराम महाराज, कीर्तन हो रहा था, विठल विठल पांडुरंग विठल विठल पांडुरंग 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 पांडुरंग। इतने विमान आ गया, पहले नहीं आया था, आपने पांडुरंग पांडुरंग कहा था तो उसमें विमान में बैठे तुकाराम महाराज। जनवरी 77 में प्रभुपाद जी इलाहाबाद में चर्चा कर रहे थे भक्तों के साथ, और प्रभुपाद जी ने कहा कि मंदिर बनाने का भाव भारतीयों में समाप्त हो गया है, नाउ आई एम रिवाइविंग दैट। तो जब से प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की है, अनेक मंदिर बने हैं विश्व के हर कोने में, और इन मंदिरों का भाव क्या है, भगवान का संदेश का वितरण किया जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य चरितमृत में, दिस टेम्पल द स्पिरिचुअल हॉस्पिटल्स,
कि जो मंदिर हैं ये आध्यात्मिक हॉस्पिटल हैं, यहाँ व्यक्ति आते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए। तो आप भक्तों ने यहाँ निगरी में राधनाथ स्वामी के निर्देशन में और प्रेरणा से आपने सुंदर प्रोजेक्ट बनाया है। ये बात सच है कि अक्सर जब प्रोजेक्ट बनता है जो ओरिजिनल एस्टीमेट से 50% ज़्यादा ही होता है। ये शायद पहला प्रोजेक्ट है जो 6 करोड़ का था और 2 करोड़ में बन गया है। इसके लिए मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट टीम को पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए। ये भी बड़े सुंदर तरीके से इसका पूरा अरेंजमेंट था, खास करके जब आपका अभिषेक हुआ। अभिषेक जो था इतना डिटेल था, 3 घंटे लगे, 3 घंटे से भी ज़्यादा। आप सब थे अभिषेक में? हाँ, तो राधा गोविंद जी की स्थापना के संबंध में आपका जो अभिषेक था, दिस वॉज द बेस्ट। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मंदिर खुलने से हजारों लोग आएंगे भगवान का दर्शन लेने के लिए। जैसे जब से ये जुहू का मंदिर खुला है, जब ये जुहू का मंदिर पुराने टिन का बना हुआ था, जब उस समय आते थे 50 आदमी दिन में, 100 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन के लिए। आज जब से प्रभुपाद जी ने सुंदर मंदिर बनाया है, जब से 50,000 से अधिक व्यक्ति रोज़ आते हैं भगवान का दर्शन लेने के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस निगरी के मंदिर में भी हजारों लोग आएंगे दर्शन के लिए। आपका ये मंदिर तीर्थ का स्थान बन जाएगा, जहाँ कि अनेक लोग आएंगे भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो एक बार फिर से आप सब भक्तों का शुक्रिया। वंस अगेन आई वांट टू थैंक द निगरी टीम दैट वर्कड अंडर द स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस ऑफ राधनाथ स्वामी and constructed this very beautiful, attractive temple, and they did it in a very efficient way, and I have no doubt that this temple will attract thousands of people to Krishna consciousness, and it will also result in increased book distribution in this area. Thank you very much. Hare Krishna.